बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद सियासी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं जेडीयू भी तेजस्वी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव को लेकर अब नया दावा किया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव जल्द जेल जाएंगे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के वंशवेल तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी और वह जेल भी जाएंगे। तेजस्वी यादव किसानों के लिए ढोंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जंगल राज के दौर में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन तरुण के नाम से तेजस्वी यादव ने लिखवा ली और अब वह चिचियाने का काम कर रहे हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी से पूछा है कि उन्होंने किसानों की जमीन का अमर्यादित सौदा कैसे किया, किसानों को मजदूर बनाने वाले उनके पिता के कुकृत्य में तरुण का क्या रोल है, नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद में भी उतरने का फैसला किया है। ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड लगातार तेजस्वी के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहा है।